आज के दूसरे सत्र में, भक्तमाल के दूसरे सत्र में प्रवेश करें। भजन के संग उससे पहले 5 मिनट के लिए महामंत्र का जाप सभी करें, हृदय से गायन करें। उससे पूर्व भक्तमाल को नमस्कार करते हुए, जो लोग भक्तमाल की वंदना जानते हैं वो संग कहें, जो नहीं जानते वो केवल यही कहें, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को। नमामि भक्तमाल को, 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 नमामि भक्तमाल को। पढ़े जो आदि अंत लो, बढ़े जो परम तंत को, रहे अनंत साल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को। कथा करे जो याही की, व्यथा रहे न ताही की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। कारिनो की भक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। कहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, अभक्त भक्ति को लहे, न भक्ति मुक्ति को चहे, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को। कहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, यही प्रमाण भाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। अभक्त भक्ति को लहे, न भूलि मुक्ति को चहे, गणेशो तुच्छ काल को, नमामि भक्तमाल 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 को। करे जो पाठ प्रात में, सरे सुकाज कात में, हरे ही कर्म जाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। मिलाए दुग्ध तर्क ते, जु होत सर्पि चक्र ते, तथा सुबुद्धि बाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। बहुपमा कहो कहा, कहे न पार को लहा, बखान सूर ख्याल को, नमामि भक्तमाल 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 को, भजो प्यारे भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्त
भक्त माल को नमामि 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 भक्त माल को बोले श्रीमद् भागवत भक्त माल की जय धन वृंदावन धाम धन वृंदावन रसिक जन जो सुमिरे श्यामा की जय हो ब्रज राज की बांसुरी की ब्रज मोहन बनवारी की जय जय ललिता रंग देवी विशाखा की जय सुकुमारी शिराधिका प्यारी जय नट नागर नृत्य बिहारी की जय सुख सागर रास बिहारी की जय जय जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय ब्रजभूषण बांके बिहारी की जय जगभूषण बांके बिहारी किस भांति छुपे अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा हरे कृष्ण बसा इन नैनन में अति सुंदर रूप उदार नहीं और किसी की जरूरत है हमको बस चाहिए प्यार तेरा तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम उस दर पे दीवाने आ बैठे एक जाम हमें भी कर दे अदा प्यासे बसताने आ बैठे प्यासे बसताने आ बैठे प्यासे बसताने आ बैठे प्यासे बसता चिंगारिया है नया तिश्ना शोले मैं जलवों से तेरे जलाया गया हूँ मेरे हाल दिल पे ऐ हंसने वालों मैं ऐसा नहीं था बनाया गया ऐसा नहीं की प्यारी श्यामा मनमोहन की प्यारी श्यामा ना ही जपूं मैं कंठी माला ना पहनूं भगवा गोशाला ना माथे पर तिलक लगाऊं ना कांधे पर जनेऊ डाला ना मैं साधु ना मैं साधु ना सन्यासी मैं बंदा बैरागी हूँ माया की मृत मृत दुनिया में मैं तेरा चरण अनुरागी हूँ मैं तेरा चरण अनुरागी हूँ मैं तेरा चरण अनुरागी हूँ
सुकुमारी मेरी भी ने सुनो सुकुमारी मेरी भी ने सुनो सुकुमारी मेरी भी ने सुनो सुकुमारी रसना आ हरि बोल मेरी रसना हरि बोल मेरी रसना हरि 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 से ऐसी प्रीत हो जाए जैसे बाबा त्रिलोचन दास जी को हो गई ऐसी हरि की रटना लग जाए जैसे धन्ना जट को लग गई हरी की ऐसी रसना जुबा पर हो जाए जैसे काले खां को हो गई पीपा जी को हो गई बाबा मदन टेर वाले अंधे बाबा को हो गई किस किस ने नाम सुना है बाबा मदन टेर वालों का जरा हाथ उठाइए मदन टेर वाले अंधे बाबा नाम सुना है आपने बाबा मदन टेर जी का बहुत सुंदर बाबा मदन टेहर वाले अंधे बाबा जिनका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता केवल और केवल श्री गौरंगदास बाबा जो कि रमन रेती में सदैव रहते थे उन्होंने
पूर्व के एसपी श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी को, जो कि जयपुर से थे, गौरंगदास बाबा ने उनको बाबा मदन टेर के बावले में बताया और उन्हीं से ही भक्तमाल कथा में उनका चरित्र लिखा गया। उनका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता, केवल सब उनको अंधे बाबा के नाम से जानते थे, जो मदन टेर के कुंजों में सदैव अपने प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर के सदैव उनके नाम का संकीर्तन करते रहते, राधा राधा राधा। आइए बाबा मदन टेर वाले अंधे बाबा के नाम का आश्रय लेकर के भक्तमाल कथा से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए, हमें भी ऐसी रसना प्रदान करो, हमें भी वो रस प्रदान करो। लेकिन उनका चरित्र गान करने से पहले आपको बता दूं, उनका चरित्र सुनना कोई आसान बात नहीं है प्यारे। जैसे शेरनी का दूध किसी आम पात्र में रखा नहीं जा सकता, शेरनी का दूध केवल और केवल सोने के पात्र में ही टिक सकता है, अन्यथा वो निषेध हो जाता है। ऐसे ही इन सूरमाओं का, इन भक्तों का चरित्र है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन भक्तों का चरित्र सुनने से पहले अपने हृदय को ठाकुर जी के समीप ले जाइए, क्योंकि जब एक शेरनी का दूध सोने के पात्र के सिवा किसमें टिक नहीं सकता, तो ये तो उन शेरनियों से भी बढ़कर के बाबा है, उनसे बढ़कर के सिद्ध पुरुष है। इन सिद्ध पुरुषों का चरित्र सुनने से पहले अपने हृदय को उस लायक कर लीजिए कि मेरे ठाकुर के नाम की भक्ति उसमें समा सके। आइए एक भजन का आश्रय लेते हुए अंधे बाबा मदन टेर वाले अंधे बाबा के नाम का गुणगान करें, उन्हीं के नाम का आश्रय लें। आइए, आप सभी ने नाम सुना होगा श्री पागल बाबा, रसिका पागल बाबा जी का, उन्हीं का ही लिखा, उन्हीं का ही गाया ये भाव। आइए उसी का सहारा लेकर के भक्तमाल में प्रवेश करें। हो मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, हो मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, हो मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे चैन भी ना आए, आए हाय हाय हाय, हो मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे नींद भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे चैन भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे चैन भी
इन पानी के मछली तड़पे तड़पे ये दिल मेरा ओ तड़पे ये दिल मेरा हाय तड़पे ये दिल मेरा बिन पानी के मछली तड़पे यूं तड़पे दिल मेरा यूं तड़पे मन मेरा यूं तड़पे दिल मेरा बिन दर्जन के छाया इस दुनिया में घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा नैना सावन में नेहा बरसाए आए हाय नैना सावन से नेहा बरसाए आए हाय नैना सावन में नेहा बरसाए आए हाय नैना सावन में नेहा ओ मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 ओ मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 ओ मुझे चैन भी ना आए आए हाय 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 ओ मुझे चैन भी ना आए आए हाय 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 घड़ी जीवन की बीती जाए 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 घड़ी जीवन की बीती जाए 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 मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 ओ मुझे चैन भी ना आए आए हाय 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 ओ मुझे चैन भी ना आए आए हाय हाय दर्शन के सूना जीवन सूना है ये तन मन हो सूना है ये तन मन सूना है ये तन मन ढूंढ चुका सारा ब्रज मंडल गोवर्धन वृंदावन गोवर्धन वृंदावन गोवर्धन वृंदावन तेरे दर्शन को लेना नल चाहे आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 मुझे चैन भी ना आए आए हाय 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 मुझे चैन भी ना आए 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 हाय हाय घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय घड़ी जीवन की बीती जाए 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 घड़ी जीवन की बीती जाए 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 घड़ी जीवन की बीती जाए 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 मुझे नींद भी ना आए आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए 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 हाय हाय मुझे चैन भी ना आए आए हाय 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 मुझे चैन भी ना आए आए सभी जमाना
टूटा सभी जमाना, टूटा सभी जमाना। किससे पूछो कौन बताए तेरा पता ठिकाना, तेरा पता ठिकाना है, तेरा पता ठिकाना। रात दिन तेरी याद सताए आए हाय, रात दिन तेरी याद सताए आए हाय, रात दिन याद तेरी सताए आए हाय, रात दिन तेरी याद सताए आए हाय। मुझे नींद भी ना आए, हाय 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 हाय, मुझे नींद भी ना आए, आए आए हाय हाय, मुझे चैन भी ना आए, आए हाय हाय हाय, मुझे चैन भी ना आए, आए आए हाय हाय। घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, घड़ी जीवन की बीती जाए जाए जाए, घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, घड़ी जीवन की बीती जाए जाए जाए। मुझे नींद भी ना आए, हाय हाय हाय, ये भाव मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भाव यही रहा होगा, शब्द बेशक कुछ और रहे होंगे। आज से लगभग 80 वर्ष पहले की ये बात है, मदन टेर के पास एक अंधे बाबा की कुटिया थी। उनका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता, लेकिन अंधे बाबा के नाम से, मदन टेर वाले अंधे बाबा के नाम से वे विख्यात थे, क्योंकि उनकी जैसी धाम निष्ठा थी वैसी ही नाम निष्ठा थी, वैसी ही युगल उपासना निष्ठा थी। कोई समाधि नहीं लगाते थे बाबा, केवल प्रिया प्रीतम की याद में दिन रात रोते रहते, राधा 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 कहते कहते निरंतर उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहता। वो कोई अंधे नहीं थे, किंतु रोने के कारण सुबह उठते अपने दिनचर्या से फारिक होने के बाद मदन टेर के कुंजों में चले जाते, घंटों घंटों राधा 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 कहते कहते रोते रहते रोते रहते, और इतना रोते कि उनकी आंखों की, उनके नेत्रों की रोशनी चली गई, प्यारे रोशनी चली गई। बाबा को रोते रोते मूर्छा आ जाती, कुंज में कोयल पपीहा अपनी गूंज से उनको मूर्छा से फिर वापिस लाते। जब बाबा वापिस आते पुनः गाने लगते, राधा राधा राधा, फिर मूर्छा आ जाती। इसी प्रकार उनका दिन व्यतीत होता, रात व्यतीत होती। एक दिन उनके जीवन की सुबह हो गई, प्यारे श्री युगल सरकार लाडली लाल मेरे बांके बिहारी जी किशोरी जी के साथ मदन टेर की ओर टहल करते करते आ गए, और राधा रानी ठाकुर जी से कहने लगी कि बिहारी जी ये कौन बाबा है जो हमारे नाम का उच्चारण करते करते रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, तनिक इनको हंसाओ तो।
किशोरी जी इतनी दयावान हैं, इतनी करुणामयी हैं कि उनसे किसी का रोना देखा नहीं जाता, प्यारे रोना देखा नहीं जाता। एक बार की बात है, याद आ गई, एक सेठ थे दिल्ली में, उनकी धर्मपत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था? अरे तेज बोलिए ना राधे राधे, क्या नाम था? किशोरी। उसका स्वर्गवास हो गया, दिन रात रोते रहते, हाय किशोरी, हाय किशोरी, हाय किशोरी, अपनी धर्मपत्नी का नाम लेकर लेकर के रोते रहते सदैव। परिवार में आने वाले सभी अतिथिगण, मेहमानगण, कुछ लोग उनकी हंसी उड़ाते, उनकी बेटे और उनकी बहू को ये बात गवारा नहीं हुई कि बाबा हमारी बेइज्जती करवाते रहते हैं। अरे ऐसा कौन सा लगाव हो गया, एक दिन तो सबको जाना है, ये सदैव माता जी का नाम लेकर के रोते रहते हैं कि हे किशोरी तू कहां गई किशोरी, हे किशोरी तू कहां गई किशोरी। एक दिन उनका बेटा और उनकी बहू उनसे दुखी होकर के उनको गाड़ी में बिठाया, बोले बाबा मैया का पता चल गया है, आओ आओ आपको मैया के पास ले चलें। बाबा तुरंत तैयार हो गए, हाँ हाँ मैं आज अपनी किशोरी से मिलूंगा, हाँ आज मैं अपनी किशोरी से मिलूंगा। बेटे और बहू ने कैसे ना कैसे करके उन्हें गाड़ी में बिठाया। ब्रज मंडल में होडल नाम एक जगह है, आप सभी जानते होंगे जो जाते हैं, होडल के पास जाकर के बाबा को उतार दिया कि बाबा आप यहीं खड़े हो, अभी मैया आती होगी, अभी मैया आती होगी। लेकिन उस बाबा का नसीब, वे दौड़ते 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 बरसाना की ओर चले गए। जैसे ही बरसाना गए चिल्लाते जा रहे हैं, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हे किशोरी, हाँ किशोरी। और किशोरी जी के कानों में भनक लग गई, मेरी राधा रानी अपने सिंहासन पर बैठे बैठे हैरान होने लगी, परेशान होने लगी, अरे कौन भक्त है जो मुझे बुला रहा है, अरे कौन भक्त है जो मुझे बुला रहा है। दौड़ने लगी किशोरी जी, ललिता ने तुरंत हाथ पकड़ लिया राधा रानी का कि हे राधा रानी, हे किशोरी जी, आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं, आप बैठी, हम देख करके आते हैं, माजरा क्या है। ललिता और वैशाखी नीचे गईं, वैशाखा और ललिता दोनों सखेलियां, राधा रानी की प्रिया सखियां, दोनों गईं देखने के लिए। और नीचे जाकर के क्या देखा कि वे बाबा तो अपनी धर्मपत्नी के वियोग में रो रहा है, उसका नाम है किशोरी। लेकिन राधा रानी से रहा नहीं गया, अटारी की सीढ़ियां उतरने लगी, ललिता वैशाखा वापिस आई कि हे श्री राधा, वे आपको नहीं पुकार रहा, वो तो अपनी धर्मपत्नी किशोरी को पुकार रहा है, मेरी करुणा निधान श्री राधिका रानी, अकारण कृपा कर देने वाली वो मंगल की मूर्ति, वो करुणा निधान बोलने लगी कि अरे वो किसी को भी पुकार रहा हो, नाम तो मेरा भी किशोरी है ना। और दौड़ती गई और जाकर के बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। बाबा को चेतना आई, फिर श्री राधिका रानी ने कहा कि बाबा तूने बेशक अपनी धर्मपत्नी का नाम लिया हो किशोरी किशोरी किशोरी, लेकिन उस नाम से मेरे हृदय को ऐसी निचोड़ हुई कि मैं तेरे पास आ गई, आज से तेरा नाम अली किशोरी, अली किशोरी, अली किशोरी हो गया। श्री राधिका रानी ने उस बाबा का नाम अली किशोरी रख दिया, जो बाद में बरसाना धाम के बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष हुए। किसी के नाम से रीझ जाने वाली, भाव कुछ भी हो, अरे सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं, अरे काबिल ना सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले हैं। उसे तो कोई झूठा भी कह दे तो वो सत्य मान लेती है,
वो तो कहती है प्यारे तू जैसा भी है तू आ, तुझे अपनाने के लिए बैठी हूँ। और सभी देवी देवता बेशक आपके गुण बेशक आपके अवगुण निहारते हो, लेकिन मेरी किशोरी जू तो केवल आप पर रिझ जाती है, आप एक बार जाइए आपको शरण में ले लेगी। ऐसी करुण निधान श्री राधिका रानी बाबा का रोना ना देख सकी, बोली हे ठाकुर जी हे मेरे प्रियतम आप जाइए और नेक बाबा को हंसाइए, बाबा क्यों रो रहे हैं। ठाकुर जी गए जाकर के बाबा से पूछा बाबा तू क्यों रोवे है, तेरा कछु खो गया है क्या, तुझसे किसी ने कुछ छीन लिया है क्या, अरे भूख लगी है तो तुम्हें छाज ला दूं क्या बाबा। लेकिन बाबा तो अपनी मस्ती में थे, उन्होंने देखा ये छोटा सा बालक गवारिया, अरे हट गवारिया, झुंझला करके कहा अरे हट गवारिया तोहे क्या लेना देना मुझसे, तू कौन है मेरा, जा हट जाकर के अपना काम कर अपनी गैया चरा। श्याम सुंदर ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन बाबा हंसे नहीं, आकर के श्री राधिका रानी से बोले श्री राधा रानी बाबा को ना जाने क्या वियोग है, बाबा तनिक भी नहीं हंसते, वो तो और गुस्सा हो रहे हैं और झुंझला रहे हैं, उन्होंने तो मुख भी दूसरी ओर मोड़ लिया। राधा रानी ने कहा कि प्यारे तुमसे नाए हंस पाए तो मैं प्रयास करती हूं, मैं जाके अभी बाबा को हंसाए देती हूं। राधा रानी गई और बाबा से कहा बाबा 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 तू क्यों रो रहा है, तेरी बहू मर गई है क्या बाबा, तेरी बहू मर गई का। बाबा हंसने लगे, बाबा कह रहे ना लाली ना, मेरी कोई बहू वह ना है बाबा। तो बाबा तुम रोते क्यों हो, किसके लिए रो रहे हो, तेरा कछु कुछ छीन लिया क्या किसी ने। अरे ना लाली मेरे पास है ही क्या जो कोई छीन लेगा, फिर बाबा रोते क्यों हो। अरे मैं तो उनके लिए रोता हूं जिनके लिए मैंने जीवन न्योछावर कर दिया, वो मेरी सुध लेने के लिए एक पल के लिए भी नहीं आए, एक पल के लिए भी नहीं आए, मैं तो उनके लिए रो रहा हूं। बाबा कौन है तेरा जो तेरी सुध नहीं ले रहा, अरे वही छलिया, वही वृंदावन का छलिया मेरी सुध लेने नहीं आया, और वाक के संग बरसाने वाली राधिका भी मुझे भूल गई है, शायद मुझे भूल गई है, निष्ठुर हो गई है। राधा रानी अपना आपा छुपा ना सकी, बोले बाबा मैं निष्ठुर हो गई। जैसे ही बाबा कुछ समझ पाते किशोरी जी अपने आप को छुपाते हुए बोली बाबा मेरा भी नाम राधा है, मैं तो निष्ठुर नहीं हूं। बाबा बोले ना लाली मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस बरसाने वाली राधिका की बात कर रहा हूं, वो भी वाक्य संग रह रह करके निश्चुर हो गई है। अरे वृंदावन का छलिया तो छलिया है लेकिन आज ना जाने किशोरी जू भी मुझसे किस बात से रूठी बैठी है, मेरे जीवन की संध्या होने आ गई, ना जाने किस पल मुझे मौत आ जाए, लेकिन आज तक मेरी सुध लेने नहीं आए, मेरी सुध लेने नहीं आए। एक बार आ जाते तो उनका क्या बिगड़ जाता। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, किसी से कुछ ना पूछा फिर मुझसे हिसाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले
वाले मुझसे नकाब क्यों। गाइए प्यारे। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। इतना मुझे बता दे मुझसे छिपाव क्यों। मुझसे छिपाव क्यों। मुझसे छिपाव क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। से नकाब क्यों। ताली सेवा के साथ सभी कहिए प्यारे शिवा के बिहारी लाल की जय हो। सुना है तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना है तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना है तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना तुम हो दया के सागर। लाखों को तुमने तारा मुझसे को तुमने तारा मुझसे हिसाब क्यों। लाखों को तुमने तारा मुझसे हिसाब क्यों। मेरे दिल मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मुझसे हिसाब क्यों। औरों से कुछ ना पूछा मुझसे हिसाब क्यों।
जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया। तूने जिसको अपनाया उसको खुदा बनाया है। तूने जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया। उसका नसीब अच्छा, उसका नसीब मेरा खराब क्यों, उसका नसीब अच्छा मेरा खराब क्यों। तेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, तेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। इतना मुझे बता दे मुझसे छिपाव क्यों है, इतना मुझे बता दे मुझसे छिपाव क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मुझसे छिपाव 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 क्यों। प्रीतम तुम सदैव मेरे हृदय में रहते हो लेकिन फिर भी मुझसे नकाब है। राधा रानी बोली कि अरे बाबा बाबा तू बहुत भोरो है, बाबा तुझे सूझे तो है ना, तुझे सूझे तो है ना, अगर वो आ भी गए तो देखेगो कैसे। बाबा बोले हे लाली लाली भोरी मैं ना, भोरी तो तू है, मैं भोरा नहीं हूं तू है भोरी। अरे अरे जब लाडली लाल आएंगे वो अपने अपने कर कमल से जब मेरे नेत्रों को छुएंगे तो बता क्या इनमें रोशनी नहीं आ जाएगी, मैं उनका दर्श नहीं कर लूंगा। जब वो अपने कर कमल से मेरे नेत्रों को स्पर्श करेंगे तो मेरे नेत्रों की रोशनी क्यों ना आ जाएगी। लाली लाली वो राधिका रानी अपने आप को रोक ना सकी और उसने बाबा के दोनों नेत्रों पर अपना हाथ रख दिया और बाबा की रोशनी वापिस आ गई। बोली राधिका रानी की जय। बाबा की रोशनी वापिस आई और सामने खड़े हैं युगल सरकार, गल बहिया डाले मेरे प्रिया प्रीतम मेरे लाडली लाल सरकार खड़े हैं। उनका दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं बाबा मदन टेर वाले बाबा। दर्शन करते करते उन्हें मूर्छा आ गई। पूरी रात मदन टेर वाले बाबा निकुंज में पड़े रहे, निकुंज में पड़े रहे। जब वहां से सुबह प्रातः काल लोग निकले उन्होंने देखा अरे अरे ये तो मदन टेर वाले बाबा है। बाबा को मदन मोहन जी के मंदिर में ले जाया गया। वहां के गोसाई जी को बताया कि बाबा इस प्रकार बाबा वहां मूर्छित पड़े हैं।
हम उनको यहाँ ले आए। गोसाई जी को जरा सा भी समय नहीं लगा, वो पहचान गए आज बाबा के साथ कुछ कृपा हुई है, आज बाबा पर लाडली लाल ने कृपा की है, आज इनकी छटा देखे देखे बन रही है। सारी संकीर्तन मंडली को बुलाया, बाबा का मूर्छित शरीर वहीं लिटा दिया गया और संकीर्तन मंडल संकीर्तन कर रहे हैं। आओ सभी मिलकर के 5 मिनट के लिए संकीर्तन करें। श्री राधा राधा माध्यम से शायद हमारे भी मूर्छित पड़े इस हृदय को चेतना आ सके कि हम भी अपने ठाकुर का दीदार कर सके। इन आंखों से तो सदैव करते हैं लेकिन हृदय से कर सके। आइए जरा दोनों भुजा पसार करके कहिए प्यारे
राधिका रानी की जय। बाबा को मूर्छा से चेतना आ गई, जाग गए बाबा। गोसाई जी बाबा को अपने कक्ष में ले गए, एक और ले गए और जाकर के पूछा कि बाबा आप बताइए आपको मूर्छा कैसे आई। बाबा ने रोते 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 सारा वृतांत सुना दिया कि आज मुझे मेरे ठाकुर ने, मुझे लाडली लाल ने दर्श दिया है। लेकिन बाबा का रोना रुका नहीं, बाबा और अत्यधिक रोने लगे, क्योंकि बाबा से वो वियोग सहा नहीं गया। वो इंतजार तो शायद कैसे ना कैसे हो रहा था, लेकिन वियोग नहीं सहा गया बाबा से। वो बिछोड़ा जो ठाकुर जी छोड़ करके चले गए, वो जो श्री राधिका रानी छोड़ करके चली गई, उनसे बाबा से रहा नहीं गया। बाबा ज्यादा अत्यधिक जीवित नहीं रहे। कुछ ही दिनों के बाद बाबा ने अपनी देह का त्याग कर दिया और सदैव सदैव के लिए निकुंज को श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में जाकर के स्थापित हो गए। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधिका रानी की। हम ठाकुर का नाम लेते तो हैं, कुछ तो देखो दिखाई लेते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से लेते हैं, लेकिन सच्चा भाव जब हृदय में प्रकट हो जाएगा तो प्यारे वो लाडली लाल कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो तुरंत उसी वक्त दर्श देंगे, तुरंत उसी वक्त। केवल मानने की बात है। अरे मानो तो गंगा और ना मानो तो बहता पानी है, बहता पानी है। हम ठाकुर जी घर पर विराजमान तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी सेवा कैसे करते। अच्छा आप लोग बताइए एकादशी का व्रत कौन कौन करता है। उस दिन ठाकुर जी को क्या भोग अर्पण करते हो बताइए, क्या भोग अर्पण करते हो फिलहाल। क्यों ठाकुर जी एकादशी का व्रत रखते हैं क्या बताइए। यहां ज्ञानवान भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं। क्या ठाकुर जी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन आप उनको भी वही परोस देते हैं। अच्छा मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जरा बताइए अगर हमारे घर में तीन जन हैं, तीनों की तीन तीन रोटी बनती हैं, तो रोटी कितनी बनती है। कितनी बनती है। क्या ठाकुर जी के लिए अलग से थाली परोसी जाती है क्या। नहीं ना, हम जो ठाकुर जी को थाली परोसते हैं पहले ही सोच लेते हैं आखिर घूम के तो वापस मेरे पास ही आनी है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो कहां है भक्ति, कहां है प्रेम। अरे कभी ठाकुर जी से पूछा ठाकुर जी आज आपको क्या भोग पवावे, ठाकुर जी आज आपको कौन से वस्त्र पहनने, आज बताइए आज वही वस्त्र हम आपको पहनाए, आज आपको कौन सा इत्र लगाए बताइए ठाकुर जी। कभी बैठ करके ठाकुर जी के सामने दो तीन वस्त्र रख के कभी पूछा आपने कि बताइए ठाकुर जी आज कौन से वस्त्र पहनाए आप। आज मेरी एकादशी, लेकिन बताओ ठाकुर जी आज आपको क्या पकवान खिलाऊं, क्या पकवान खिलाऊं ठाकुर जी। कभी कभी तो हम भूल जाते हैं, ठाकुर जी को छींटा ही मार करके केवल काम चला देते हैं, फिर कहते हैं कि मुरली वाला आता नहीं, ब्लेम सारा उस पर कर देते हैं। अरे मीरा की तरह बुलाकर तो देखिए, जहर के प्याले को अमृत ना कर दे तो कहना, वो तो भाव का भूखा है। भक्तमाल में कल भी कहा ठाकुर जी ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। लेकिन हम सुनते कहां हैं, केवल ढोल धमाका किया, नाचे गाए
और घर चले गए। हमें तो ठीक तरीके से ठाकुर जी से बात करनी भी नहीं आती है। अरे उसके ठाकुर जी का सुंदर सा सरहाना है, हम भी बढ़िया सा आसन बनवाए, केवल इसी तोड़ में लगे हैं। ठाकुर जी ने कब कहा, कब कहा? ये वो गली है प्यारे जहां पर जान हथेली पर रखकर के जाना पड़ता है, जान हथेली पर रखकर जाना पड़ता है। एक निधि वन सेवा कुंज में बाबा हुए हैं श्री गोपाली बाबा। मैंने श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज के मुख से सुना है, क्योंकि शास्त्री जी के बहुत करीब थे गोपाल बाबा। एक दिन गोपाल बाबा से पूछा, बाबा आप बताइए ना कि क्या कभी आपने सेवा कुंज में रहने का प्रयास किया है, निधि कुंज में रहने का प्रयास किया है? किस किसने दर्शन किए निधिवन के, क्या होता है वहां, क्या होता है वहां? रास होता है। संध्या काल के समय वहां से मोर बंदर भी स्वयं अपने अपने घर चले जाते हैं निधिवन को छोड़ करके। वहां क्या है, वहां शाम को संध्या काल वेला समय वहां वहां मेरे लाडली लाल रास रचाते हैं, रास रचाते हैं। अगर सच्चा भक्त हो तो किसी ना किसी तरह रात को छुप करके देखने का प्रयास तो करो। गोपाली बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने कभी प्रयास किया? शास्त्री जी बताते हैं कि गोपाल बाबा ने अपनी नजरें झुका ली, बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन बार 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 आग्रह करने पर शास्त्री जी को गोपाल बाबा ने केवल इतना बताया कि हाँ भैया, मैंने एक बार प्रयास किया था, मैं एक रात निधिवन में रुका, मैं झाड़ियों में जाकर के छिप गया, प्रयास किया लेकिन मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर मैंने वही प्रयास किया, छुप करके बैठ गया, गोसाई जी आए, निधिवन को बाहर से लॉक करके चले गए, लेकिन उस रात भी मुझे दर्शन नहीं हुआ। आगे की बात कहने से पहले बाबा रोने लगे, बाबा रोने लगे। शास्त्री जी ने कहा, बताओ ना बाबा। तो सौगंध देकर के कहा कि तीसरी रात जब मैं रुका तो रात को आवाज आई धीरे धीरे, छम 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 छम। मैं समझ गया कि मेरे लाडली लाल आ रहे हैं, लेकिन मैं कहीं उनको दिख ना जाऊं, मैं छुप करके रास देखना चाहता हूं, कहीं दिख ना जाऊं, मैं उनकी रास में कहीं बाधा ना बन जाऊं। वो आवाज तेज होती गई, छम छम छम। जैसे जैसे श्री राधिका रानी मेरे युगल सरकार पास आते जा रहे हैं और छम छम की उनकी पायलों की आवाज तेज होती जा रही है। श्री राधिका रानी ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आज मुझे निधिवन में से किसी मानव की गंध आ रही है। मेरे ठाकुर जी कहने लगे, अरे श्री राधिका रानी, जिस मानव की गंध आपके अंदर चली गई, अब वो मानव कहाँ रह गया प्यारे, अब वो मानव कहाँ रह गया, अब वो मानव कहाँ रह गया, अब तो वो आपकी सहचरी हो गई, सखी हो गई। बाबा बताते हैं कि स्वयं श्री राधिका रानी ने उन्हें ओढ़नी ओढ़ाई और चंद्र पर चंद्रिका धारण कराई। मैं जब व्यासपीठ पर चढ़ रहा था तो मुझे नहीं पता किस ठाकुर जी के हैं, लेकिन ये चंद्रिका मुझे यहीं से अभी अभी पाई है जो आपको दर्शन करा रहा हूं।
मुझे नहीं पता किस ठाकुर जी के हैं, लेकिन जब मैं व्यासपीठ पर आया तो ये चंद्रिका के दर्शन हुए। ये चंद्रिका श्री राधिका रानी अपनी सहचरियों के माथे पर लगा देती है, और जिसके माथे पर लगा देना वो फिर सदैव सदैव के लिए सहचरी दल में शामिल हो जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक और निधि वन के प्रसिद्ध बाबा हुए हैं चाचा वृंदावन दास। चाचा वृंदावन दास उन्होंने भी एक बार प्रयास किया कि आज मैं निधिवन में रुकूंगा। चाचा वृंदावन दास जी के 1,00,000 से भी ज्यादा पद है श्री जी के, जिन्होंने पद गायन से श्री जी को रिझाया है। लेकिन एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो मैं अपना सारा जीवन युगल सरकार के श्री चरणों में समर्पित कर चुका हूं, शेष जीवन उनके निधिवन में रह करके गुजारूं। चाचा वृंदावन दास जी ने निधिवन में रुकने का फैसला कर लिया। पहले दिन रुके, उन्होंने सोचा कि अभी मेरी सरकार आएगी, रास रचाएंगे, तो क्यों ना उनके आने से पहले मैं सोहनी सेवा कर दूं। सोहनी सेवा जानते हैं सभी, झाड़ू बुहार की सेवा। ब्रज में उसको सोहनी सेवा कहा जाता है, क्योंकि उससे सुंदर सेवा कोई है नहीं, इसलिए उसे सोहनी सेवा कहा जाता है। लेकिन चाचा जी बताते हैं कि उनके मन में ऐसा भाव था कि जब प्रिया प्रेतम आएंगे तो निरीक्षण करेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। जब हम ठाकुर की सेवा करें, दुनिया को क्या दिख रहा है इससे कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। मेरे ठाकुर जी, मेरी लाडली लाल जब उसका निरीक्षण करेंगे तो उसमें मैं अव्वल आना चाहिए, ऐसा हमारे हृदय में विचार होना चाहिए, ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए। बोले जब वो निरीक्षण करेंगे तो उनके हृदय को कितना सुख पहुंचेगा। मैं झाड़ू की सेवा, मैं सोहनी सेवा करता हूं, लेकिन उन्होंने अपने पद गायन में कहा कि क्यों मैं उस झाड़ू से बुहारूं, ये सारा श्रेय तो फिर झाड़ू का हो जाएगा। जो हमारी आंख की पुतली है ना, ये पुतली ऊपर के जो बाल हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो नीचे की वारुणी पलकें होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं। बताया बाबा ने, इन पलकों को निकाल करके झाड़ू सोहनी सेवा की है पूरे निधिवन की। वारुणी पलकों को निकाल करके झाड़ू बना करके पलकों से निधिवन की बुहार की है, सोहनी सेवा की। बोले अब क्यों ना मैं इस माटी पर जल भी छिड़क दूं, लेकिन मैं जल किसी कुएं से नहीं लाऊंगा, अपने हृदय से, अपने अश्रु प्रवाह से। उन्होंने पूरे निधिवन में जल प्रवाह किया, उन्होंने जल का छिड़काव कर दिया और बोले कि अब किस भांति मैं यहां पर पायदान बिछाऊं, किस प्रकार उनके कोमल कोमल पग हैं, कहीं उनको उनको पीड़ा ना हो, क्यों ना मैं नीचे कोमल कोमल मैं गलीचा ऐसा बिछाऊं कि मेरे युगल जोड़ी सरकार, मेरे लाडली लाल के पांव को आनंद मिल सके। बाबा बताते हैं अपने पदों में कि बाबा ने अपनी इन पुतलियों को निकाल करके, इसकी बैक साइड आप देखते हैं तो लाल लाल है गलीचे की तरह, इससे सॉफ्ट, इससे मुलायम और कुछ नहीं उनको दिखा। उन्होंने इसको निकाल करके अपने पद भाव के माध्यम से उस निधिवन में बिछा दिया।
और जाकर के एक तरफ झाड़ियों में जाकर के बैठ गए कि शायद अभी मेरी सरकार आएगी, अभी मेरी सरकार आएगी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करते रहे, ठाकुर जी ठकुरायन जी आए नहीं, आए नहीं। तो कहने लगे बाबा क्या, सामने आ सामने आ गया आदमी सामने आ गया आज भी पर्दा होगा सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा हाँ वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा वो भी तो जो मेरा मसीहा होगा सामने आओगे आज भी पर्दा होगा सामने आओगे आज भी पर्दा होगा बाबा कहने लगे कि क्यों अपनी हृदय हृदय में पुकार करने लगे कि आज भी सामने आओगे या पर्दा होगा फिर एक ही एक भाव से अपने आप को समझाने लगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे वो आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे क्यों धीरज खोए जाती है धीरज खोए जाती है हरी आएंगे हरी आएंगे हरी आएंगे हरी आएंगे हाँ हरी आएंगे हरी आएंगे हरी आएंगे हरी आएंगे ओ आशा रख पगली पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे
आएंगे मैया होगी लोरी होगी मैया होगी लोरी होगी माखन होगा चोरी होगी माखन होगा चोरी होगी कारे होंगे गोरी होगी कारे होंगे गोरी होगी गलियों तक माखन बिखरेगा गलियों तक माखन बिखरेगा वाले मन मौज उड़ाएंगे वाले मन मौज उड़ाएंगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे रजनी होगी तारे होंगे जमुना होगी किनारे होंगे किनारे हो लहरों पर नैया खेलेगी लहरों पर नैया खेलेगी मनमोहन पार लगाएंगे मनमोहन पार लगाएंगे हो आशा रख पगली आएंगे आएंगे दिलदार हमारे आएंगे दिलदार हमारे आएंगे वो प्यार हमारे आएंगे वो प्यार हमारे आएंगे कम ख्वार हमारे आएंगे कमखार हमारे आएंगे पलकों से रहा बुहार पलकों से रहा बुहारेंगे पलकों से रहा बुहारेंगे नैनों में उन्हें झुलाएंगे नैनों में उन्हें झुलाएंगे हो आशा रख पगली आएंगे तेरी करना तेरी करना तेरी आदत ही सही पर प्यारे तेरी सही सही मगर आजा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा बुझने लगी है शमा तेरे इंतजार की ये भरी महफिल में ये भरी महफिल में अगर तुम्हें आ जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता वो आता होगा 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 और अभी ऐसा बाबा सोच ही रहे थे
चाचा वृंदावन दास जी। और इतने में उन्हें झनकार की आवाज सुनाई देने लगी।